हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीतू फूड ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ सफ़ेद कुमड़ा की बड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। जो इसको कुमड़ा की बड़ी कैसे बनाते हैं, यह है तो वैसे गांव की रेसिपी, यह गांव में बनाई जाती है ज़्यादा करके बढ़िया, लेकिन आजकल पैकेट में हर जगह मॉल में या मार्केट में सब जगह मिल जाती है। तो ये कैसे बनती है ये आज की जनरेशन नहीं जानती होगी। तो बिल्कुल इसके सिंपल बनाने की, या हम लोग इधर यूपी साइड में किस तरह से बनाते हैं, इसकी झटपट में बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके बाद इसकी सब्जी कैसे बनाएंगे शेयर करूँगी। तो बहुत ही अच्छी इसकी सब्जी बनती है, एकदम खट्टी खट्टी लगती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगी जैसे हमारे यूपी में बनाई जाती है। तो सफ़ेद कुमड़ा इस सीज़न में आता है सितंबर अक्टूबर के टाइम में। तो इस तरह से ये हमारे घर का ही है कुमड़ा, इसके पेठा भी बनते हैं। तो जैसे आधा किलो क्वांटिटी का कुमड़ा का जो पल्प निकलेगा, मैंने आधा किलो उड़द दाल ली और उसमें एक कम से कम एक अंजुल भर के चना की दाल मिलाई थी। अब इसको भिगाने के लिए हम रख देंगे, या तो पूरी नाइट भिगा दें और या फिर 4-5 घंटे में भीग जाती है। जब तक हमने शाम को ही भिगा के रख दी थी दाल। अब दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं कुमड़ा को काटूँगी, थोड़ा सा सड़ा निकल गया था एक तरफ का, तो उसको फेंक देंगे और इसको काट के जो साफ़ सुथरा हो। पहले इसको काटने के पहले हमेशा पहले धो लेना है, ताकि इसका जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, कहते हैं पता नहीं होता है कि नहीं होता है, ये कभी बालों में लग गया तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो हम लोग इधर कहा जाता है। तो इसको काट के इसका ऊपर का छिलका निकाल देंगे। हमारे इधर इसको सफ़ेद कुमड़ा कहते हैं, आप लोग इधर क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुमड़ा के साथ बनाई जाने वाली बड़ी को हम लोग कुमड़ौड़ी कहते हैं। इस तरह से काट के और इसको ग्रेटर से, जो हम लोग का कद्दूकस होता है, उससे ग्रेट कर लेंगे। इसकी क्वांटिटी वही है कि अगर आधा किलो हमारी उड़द की दाल है तो आधा किलो के करीब करीब उतना ही अंदाज से। अभी हमारी दाल भीग गई, अब इसका छिलका, अब बिना छिलके के भी दाल मिला सकते हैं, लेकिन मैंने आज छिलके की थी। उसको अच्छी तरह से धो के उसका छिलका निकाल लेंगे और इस तरह से पूरी दाल हमारी साफ़ हो गई। अब इसको मिक्सर में डाल के इसको पीसेंगे। सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, लेकिन आजकल सिलबट्टे में बहुत कम लोग पीसते हैं। उड़द की दाल वैसे ही बहुत टाइट होती है। इसको मैंने पीस लिया। अब इसमें कुछ मसाला जैसे अदरक, लहसुन, थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली और थोड़ी सी काली मिर्च और 8-10 लौंग, इसमें बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, और जीरा डाला। अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे अच्छी तरह से। अब इस दाल हमने जो पीसी थी उसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हींग, कम से कम छोटा जो चम्मच होता है मसाले वाला, 1 चम्मच भर के हींग डाली, क्योंकि उड़द की दाल में हींग। अब ये जब हम कुमड़े का जो ये पल्प डालेंगे उसको, इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो पहले देखने में खूब बड़ा लग रहा था कुमड़ा, लेकिन इसका पूरा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और जब भी बनाएं आप कुमड़ौरी, जैसे मान लो ज़्यादा करके सुबह टाइम बनाई जाती है कि दिन भर में सूख जाए, तो 2-3 घंटा पहले इसको ग्रेट करके या कद्दूकस करके रख लेंगे, जिससे क्या है और उसी पानी में पड़ी रहेगी तो कुछ खट्टापन उतर आता है। या कभी कभी नाइट में भी उसको क्रश करके रख दें, ग्रेट करके या कद्दूकस करके, तो पूरी नाइट भी रखा रहेगा तो और अच्छा खट्टापन आ जाएगा। पूरी तरह से पानी निचोड़ ले, नहीं तो दाल हमारी गीली हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी तरह से पानी निचोड़ के और मसालों के साथ में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसके बाद भी कुछ हल्की गीली हो जाती है, कितना भी पानी निचोड़ो, लेकिन कोशिश करें कि एक भी पानी ना रह जाए, नहीं तो बढ़िया देते नहीं बनेगी। इस तरह से देखिए मेरा मसाला, दाल और कुमड़ा सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब बड़े से थाल में या बर्तन में या डायरेक्ट छत में आप किसी पॉलीथीन में करके इसको किस तरह से देते हैं, छोटी छोटी बड़ियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके बड़ी बड़ी बड़े बड़े लेंगे और अंगूठे से बीच में होल कर देंगे। उससे क्या है कि एक तो अंदर पोली रहेगी, सूखने में आसानी रहेगी, और बनाने में इसको तोड़ के ज़्यादा करके बनाई जाती है तो इस तरह से। और उस जैसे नॉर्मल बड़ियाँ हम लोग देते हैं तो छोटी छोटी बड़ी देते हैं, तो ये कुमड़ा की वजह से नहीं बनेगी देते। तो इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में आप दे लें, कि और जितनी धूप हो उस हिसाब से। मान लो जैसे सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा धूप कम होती है तो इसको सूखने में 2 दिन लग जाते हैं। इस तरह से मैंने बड़े बड़े इस तरह से पीस लेके और अंगूठे से बीच में होल कर लेंगे।
बिल्कुल सिंपल है, ये मसाले डाल के बनाएंगे और इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो एकदम खट्टी खट्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी। इस तरह से देखिए मैंने सारी बड़ियाँ दे ली और इसको मेरी बड़ियों को सूखने में 2 दिन लगा था, तो पूरा दिन धूप में रखने के बाद दूसरे दिन देखिए इसको शाम के टाइम मैंने पलटा के दूसरे दिन फिर सुखाया था, तो देखिए एक तरफ से सूख गई है, नीचे चिपकती भी नहीं है बहुत ज़्यादा और अंदर होल जो रहता है तो उससे बहुत अच्छी तरह से सूख जाती है, एक तो पतली हो जाती है उसकी लेयर। इस तरह से मैंने सारे के सारे पलटा लिए थे, इस तरह से देखिए मैंने सब पूरे बड़ियों को उल्टा कर दिया। अब इसके बाद दूसरे दिन धूप में थे, पूरे 2 दिन लगे थे सूखने में, इस तरह से मैंने दूसरे दिन भी धूप में इसको सुखा दिया। अब पूरी तरह से सूखने के बाद देखिए इस तरह से हो गए, देखिए कितनी खरखर आवाज़ आ रही है, इसी तरह से सूख गई। इसकी जैसे हम लोग नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं प्याज अदरक लहसुन पीस के, मैं सब्ज़ी की भी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बहुत ही खट्टी सी और बहुत ही अच्छी बनती है, इसमें आलू के साथ मिला के बनाएं। ये सारी बड़ियाँ वगैरह उस टाइम पे बना करती थी दादी नानी लोग के टाइम पे, साल भर ये बना के स्टोर करके रखते थे जब सब्जियाँ। इस समय क्या है कि सारी सब्जियाँ 12 महीने हर तरह की सब्ज़ी अवेलेबल हो जाती है, पहले बड़ी आलू बस यही सब चीज़ें बना के इकट्ठा करके रखती थी और उसी को बनाया करती थी। तो इस तरह से देखिए सब्ज़ी की रेसिपी मैं अलग से इसकी शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा तो जैसे बनाने के टाइम इस तरह से तोड़ के मैंने बनाई थी, इतनी खट्टी और इतनी टेस्टी बनी थी, हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए कुमडौरी को, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और मार्केट में तो हर चीज़ मिल जाती है, तो आप लोगों को कुमड़ा भी मिल जाएगा और बना के रखें, और बहुत ही हेल्दी सी, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही यम्मी सी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बार इसको बना के ज़रूर देखिए, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू गाइस।